चार दिन से लापता रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट का मर्डर, अंकिता भंडारी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्या सहित तीन लोग गिरफ्तार। बीते 18-19 सितंबर से थी गायब अंकिता भंडारी। सोशल मीडिया पर गुमशुदा के पक्ष में चल रहा था कैंपेन। अब तक बरामद नहीं हुआ है युवती का शव। शव को पहाड़ी से नीचे फेंकने का पुलिस ने किया दावा। तो चार दिन से लापता रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी का मर्डर हो गया है, पुलिस ने खुलासा किया है। बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं। बीते 18-19 सितंबर से गायब थी अंकिता भंडारी। सोशल मीडिया पर गुमशुदा के पक्ष में चल रहा था कैंपेन। अब तक शव बरामद नहीं हुआ है। शव को पहाड़ी से नीचे फेंकने का पुलिस ने दावा किया है। देखिए, अभी मैंने पहले भी ब्रीफ किया कि अंकिता वो जो बच्ची थी, बच्ची की जो मिसिंग लिखाई गई थी, राजस्व पुलिस क्षेत्र था तो 20 तारीख को मिसिंग लिखाई गई, पटवारी क्षेत्र था, उन्होंने अपने एफर्ट किए। क्योंकि बाद में उस मिसिंग के बाद के जो घटनाक्रम सामने आए उस हिसाब से मामला संदिग्ध लगा, तो इमीडिएट मामला उच्चाधिकारियों के माध्यम से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र हुआ। कल 2 बजे के आसपास हमें ये मामला हैंडओवर हुआ है। तो मामले की संगीनता को देखते हुए हमारे DGP सर ने SSP सर को निर्देश दिए, जैसा सर ने मुझे बताया, तो उस हिसाब से मुझे, हमारे CO सर सबको यहाँ भेजा गया। और मुझे भी लगा कि मामला बहुत संगीन है, इसमें इमीडिएट चीज़ों को हमने हैंडल करना है। ऑलरेडी 3-4 दिन डिले हो चुका है, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद चूँकि हमारी SOG की टीम, हमारी यहाँ जो थाने की टीम है वो सब यहाँ पर थी, उनको ब्रीफ किया गया कि एक कार्य योजना बनाई गई, क्या करना है, कैसे करना है। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से हुई जहाँ से बच्ची को मिसिंग बताया गया था। तो वहाँ जाने के बाद घटनाक्रम जो कंप्लेन में लिखा गया वैसा नहीं था, मामला वहीं से संदिग्ध स्टार्ट हुआ। होटल के कर्मियों के अलग स्टेटमेंट थे, वहाँ का सरकमटेंस अलग था, और जो जिस कमरे से मिसिंग बताई गई वो कमरा चीख चीख के बोल रहा था कि उस रात उस कमरे में कोई नहीं रहा था। तो उसके बाद चीज़ें, जो हमारी मोबाइल ट्रेसिंग है, जो हमारा CCTV कवरेज है, इन सब पे हमने काम किया, उन लोगों के स्टेटमेंट लिए, जो पर्टिकुलर रूट बताया गया था कि यहाँ से ये लोग गए, यहाँ से वापस आए, इतने बजे आए, उसको प्रॉपर मिनट टू मिनट वॉच किया गया। वॉच करने के बाद लगा कि चीज़ों में काफ़ी संदिग्धता है। इस बात को लेकर हम लोग कन्फर्म थे, कल रात ही बात इंश्योर हो गई थी कि गए ये चार लोग हैं लेकिन वापस केवल तीन लोग आए। इस बात की जब पुष्टि हुई तो अगला हमारा टारगेट था कि इन तीन लोगों को पकड़ें और इनसे पूछताछ करें। पहले पूछताछ में चूंकि ये इस पूरे केस के वादी बन गए थे तो वो उन्होंने अपना हाथ ऊपर, अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया था और एक अच्छी कहानी फ्रेम कर ली थी कि बच्ची हमारे साथ वापस आई, उसने रात को खाना भी खाया, उसने रात को ये भी किया, रात को मेरे मोबाइल को भी लिया। तो सारी चीज़ें चूंकि हम पहले उसमें वर्क कर चुके थे वो सब चीज़ें गलत थी। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो वन बाय वन इनको हमने घटनास्थल पे लेकर के, अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीज़ें की, तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेकर हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। क्योंकि इस, अब एक तो ये घटना थी, दूसरा पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे थे, ये इससे ज़्यादा संगीनता थी। अदरवाइज अगर ये केस पहले सेम डे पुलिस में अगर हम लोग इसको डील कर चुके होते तो ये शायद जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं आज से चार दिन पहले हो जाता। घटनाक्रम को का होना न होना वो अलग चीज़ है, लेकिन उसके उसका जो वर्कआउट है, उसकी जो तह तक